मेरा नाम नित्यानंद यादव है। जिस बीबी को एक दो तीन चार बच्चे हो और उसकी एक दो तीन गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए, फिर उसकी शादी ना हो और वह जिस्म बेचने वाली औरत हो जाती है, ऐसी स्थिति आ सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। मेरा गुजारिश है डॉक्टर जाकिर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है, अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूंगा, क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो आज मुसलमान भाइयों 10,000-20,000 की कुर्बानी करते हैं, लेकिन 500 रुपया का एक बकरा ठाकर भैंसा खरीद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं। और मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बार बार दरखास्त करूंगा कि आप मुझे संतुष्ट कर दीजिए, मैं इसी वक्त इंशाल्लाह कबूल करूंगा। मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम मजहब में अगर कोई औरत गलती करती है, एक दो तीन चार बच्चे है, एक दो तीन गलती करती है, मुसलमान उसे तलाक दे देता है, फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है, हिंदू धर्म में तलाक है ही नहीं, तो इस्लाम धर्म में तलाक क्यों है? बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर, हिंदू मजहब में नहीं, ये आपका बेसिक सवाल, बराबर भाई साहब, क्या इस्लाम मजहब में तलाक क्यों है, बराबर भाई साहब जी, क्यों तलाक है? आपके हिसाब से तलाक नहीं होना चाहिए, अक्सर मजाहब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ेंगे वर्स नंबर 31 और 32, इट हैज बीन टोल्ड ऑफ द ओल्ड टाइम दैट थाउ शैल नॉट गिव अ बिल ऑफ डिवोर्स, बट आई से टू यू, पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है, लेकिन मैं कहता हूं अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है फिर ही आप डिवोर्स दे सकते। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और हिंदू मजहब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मजहब में डिवोर्स ही नहीं है, ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इस्लाम मजहब में डिवोर्स क्यों है? इस्लाम मजहब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है, निकाह इज अ मिसाक, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियां बीवी, औरत और मर्द जब शादी करते हैं, निकाह एक मिसाक है, सेक्रेट कॉवेनेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, हम मियां बीवी होंगे। अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं, तो आप क्या करते, प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियां बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे, लेकिन जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। जरूरी नहीं है कि बीवी गलत होना चाहिए या शोहर गलत होना चाहिए, बोझ के बाद दोनों अच्छे बट कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है ना। तो अगर मियां बीवी कंपैटिबल नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे है लेकिन कंपैटिबल नहीं, कंपैटिबल नहीं मतलब इन लोग में बराबर जचता नहीं है। आप आएंगे मगरबी मुल्क के जो कस्टम्स है, रीति रिवाज अलग है हिंदुस्तान के अलग है, बोलते बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेगा ना, ईस्टर्न कल्चर अलग है, हम सभ्यता में मानते हैं, हम मॉडेस्ट है, वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना, वेस्टर्न कंट्री में चलता है, आप समझे क्या ना भाई साहब, भाई साहब समझते हैं, लेकिन ऐसी मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ,
मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। तो अगर आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो बोलेंगे भाई जाओ अपने अपने घर पे जाओ, वेस्टर्न कंट्री में चलता है, उनकी बीवी बिकनी में घूमती उनको कोई फर्क नहीं। और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं, तीन चीज हो सकती, दोनों अच्छे लेकिन कंपैटिबल नहीं है, या दोनों में से शोर अच्छा नहीं या बीवी अच्छी नहीं, या हो सकता है कि दोनों अच्छे नहीं। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुबहानाहु ताला ने तरीके दिखाए किस तरीके से तलाक होना चाहिए। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शरायत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करें। भाई क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कहा बीवी नमक ज्यादा डाली खाने में आपने बोला तलाक तलाक तलाक। नमक नहीं ज्यादा पसंद तो बोलो बीवी को भाई नमक कम डालो, बैठ के बात तो करो। तो कुरान मजीद ने लिखा है पहले आपस में बात होना चाहिए, आपस में बात करके अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आर्बिट्रेटर लेके आओ, बीवी के घर के तरफ से बीबी के तरफ से एक आर्बिट्रेटर लेके आओ समझौता के लिए, शोर के तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए, एक मीटिंग करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझौता हो जाता है, फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है तलाक देना, तलाक दे, तलाक दो, फिर तीन महीने रुको, कोई ट्रायल पीरियड है इज्जत का मौका। इस दरमियान तीन महीने में आपने तो बड़े जोर से बोले मैं बीवी के बिना रह सकता हूँ, दो हफ्ते में आपको डाला टेका भाव मालूम पड़ता है, आप बोले अरे भाई मुझे बीवी को ऑफिस लेके आ जाओ, अब रुजू करो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपकी एक बहन है, आप अपनी बहन के लिए एक अच्छा शोहर तलाश करते हैं, भाई साहब आप सुन रहे मुझे ना? जी सर। भाई साहब आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते हैं एकदम तहकीक करने के बाद, तहकीक के बाद आपको पता लगता है कि एक साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, भाई साहब वो शोहर जो आपने मेरे तलाश के बिल्कुल गलत आदमी, क्या हो गया? वो रोज मुझे मारता है। क्या बात है? वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पे जुल्म करता है, हर रोज बिना वजह मुझे मारता है, मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उससे बात करेंगे भाई क्यों शराब पीता है, भाई क्यों मारता है, नहीं मुझे मजा आता है। आपके समझाने के बाद फिर भी नहीं मानता है, हर रोज मारता है, आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए, या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करें? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, हिंदुओं में देखा जाए, हिंदू की बात नहीं करता हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, हिंदू मुस्लिम को छोड़ो, मेरा ही बात कर रहा हूँ भाई साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी बहन के लिए आपने अच्छा शोहर तलाश किया, एक साल बाद पता चलता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, शराबी है, जुआरी है, रोज आपकी बहन को मारता है, उसके साथ गलत हरकत करता है, अपने दोस्तों को लाता है आपकी बहन के साथ सोने के लिए, तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप? आप पसंद करेंगे आपकी बहन इसको झेलते रहे, या पसंद करेंगे वह उसको छोड़ दो दूसरे से शादी करो? आप क्या पसंद करेंगे, हिंदू को छोड़ो मुस्लिम को छोड़ो, आप क्या पसंद करेंगे? मैं अगर इस तरह का मेरा बहन हरकत करेगी, बहन हरकत ने आपका बहनों भी हरकत कर रहा है, बहन तो बहुत अच्छी है आपकी, बहन तो बेचारी देवी जैसी है। मैं उनको सबक सिखाता हूँ कि देखो बहन, तुमको जो पति मिला है तुम उसी का सेवा करो, यानी चूंकि हम लोगों का धर्म जो है जब विवाह हो जाती है। धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ, धर्म पे बाद में आऊंगा मैं। हाँ तो आपके धर्म से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अपनी बहन से कहा कि मैं अपने शोहर की आप खिदमत करो, खिदमत करने के बाद भी रोज मारता है, उसकी क्या गलती बेचारे आपकी बहन की? आप बोलेंगे बर्दाश्त करो, आपको कल कोई मानने लगेगा, रोज आप पे जुल्म करने लगेंगे, अगर बर्दाश्त करेंगे आपकी बीवी आपको रोज मारेंगी, आके बेलन से रोज मारेंगी, वो अच्छी मार्शल आर्ट्स की है, रोज आपको मारेंगी, आप उसको तनख्वाह लेके देंगे, रोज आपको मारेंगे, आप क्या करेंगे? वन रिक्वेस्ट, मैं आपसे पूछता हूँ आपकी बीवी रोज आके आप पाकिस्तान रिपोर्टर में, भाई साहब पाकिस्तान को छोड़ो, मैं आपसे भाई साहब मुस्लिम कमेटी की औरतों से, भाई साहब सुनो मेरी बात ना, पाकिस्तान को छोड़ो हिंदुस्तान को छोड़ो, मैं आपसे सवाल पूछ, आपने मुझे सवाल किया मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है छोड़ो, मुझे भी आपकी फिक्र है जी। आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है, हाँ जी, रोज आपको मारती है, रोज जाके बाहर ऐश करती है, आप क्या करेंगे? मैं उनको समझाऊंगा। नहीं समझती है और वो बहुत अति करती है, समझाएंगे तुमको दो समझाएंगे, क्या करेंगे? अगर नहीं समझती है
तो मैं एक किला बनाऊंगा और उस किले में मोटे रस्सी से बांध करके उसको रखूंगा। वो तुमको बांधेंगे, वो हट्टी कट्टी है, तुम क्या बांधेंगे उनको? नहीं, ऐसा तो मैं कभी भी किले के अंदर तलाक का तो भाई साहब बात नहीं करेंगे। भाई साहब, अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा है टेलीविजन पे? मैं बोल, आपकी बीवी अगर एकदम हट्टी कट्टी है, आप क्या उसको किले से बांध देंगे? वो एक झापड़ आपको मारेंगी, आप गिर जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे बोलो? हम लोगों का जो औरत है रोज मंदिर जाती है और प्रार्थना करती है। अरे भाई साहब, ईश्वर बीवी मिली है, ईश्वर हमारे पति के लिए लंबी उम्र चाहिए। भाई साहब, आपकी बीवी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर हाइपोथेटिकल है, अगर आपकी बीवी ऐसी होती, आपको भगवान ने अच्छी बीवी दी तो आप किस्मत वाले हैं। अगर आपकी बीवी सही नहीं होती तो क्या करते थे? सर, 1-2% हो सकते हैं, लेकिन आम में नहीं, आप मुस्लिम में। 1-2% की बात करो, क्या करते थे आप? जी सर, आप 1-2% क्या करते थे? अगर 1-2% में ऐसी मक्कार बीवी निकली या मक्कार शोहर निकला तो आप क्या करेंगे? 1-2% में होता है, लेकिन क्या करेंगे आप? हम मुसलमानों के समाज में जाते हैं और देखते हैं कि रोज तलाक दिए जाते हैं, रोज तलाक। मुसलमान पे बाद में आऊंगा ना, मैं पहले आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बहनों भी आपके बहन को रोज मारता है तो आप क्या करेंगे? 1% होगा, 2% बोलते, मैं 1% बोलता हूँ, आप क्या करेंगे? मैं तो कदापि तैयार नहीं होऊंगा। नहीं, छोड़ देंगे ना? न छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या करेंगे? मैं किले में बंद करके रखूंगा। अरे आप नहीं बंद कर सकते ना, वो आपसे ताकतवर है भाई साहब। नहीं नहीं, अरे है आप, एकदम नहीं। आपकी बीवी है भाई साहब, अच्छी है जी। नहीं, मैं खाली हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ, अगर ऐसी बीवी होती थी तो क्या करते थे? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हुआ नहीं, आप किस्मत वाले हैं भाई साहब। नहीं, तमाम मुसलमानों का हम सोच रखने वाले हैं, सोचते हैं। मैं आता हूँ भाई साहब, मैं सब जवाब दूंगा आपको। मैं आपसे सवाल पूछता, आपके साथ ऐसी हरकत हुई, आपकी बहन को अगर कोई रोज मारता है, आपका बहनों भी रोज परेशान करता है, लाल पीला करता है, शराब पीता है, जुआरी है, तो आप क्या बोलेंगे बहन को? मैं तो कदापि तैयार नहीं होगा ये बात में। नहीं नहीं, क्या बोलेंगे आप अपनी बहन को? बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं, तुम जाओ, उसके कदमों में जाके पड़े रहो। वो कदमों में ही मारता है उसको? कदमों में ही तुम मर जाओ, कदमों में ही मर जाओ। तो क्या ये इंसानियत है? नहीं, ऐसे धर्म को मानते हैं आप? जी, ऐसे धर्म को मानते हैं कि जो शोहर अगर पति के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकते हैं? ये किधर लिखा है? आप ऐसी किताब में मानते हैं? अगर ऐसी किताब में लिखा तो हर शोहर अपने बीवी को मारने लगेगा ना, हर शोहर मारने लगेगा, बोलेगा चलो यार वो जन्नत में जाएंगी, मारो। नहीं तो हम तो बता रहा हूँ सर, ये तो भाई हो सकते हैं। आप जो बोल रहे, इसीलिए जितनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि हिंदू औरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुपचाप सहन करती है, क्यों? उसको आवाज उठाना चाहिए। मुसलमान औरतें आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है। जो आप बोलते हैं तलाक, कितने लोग का तलाक, यहाँ पूछेंगे मंच पे लाखों लोग है, कितने लोग का तलाक हो तो 1% भी नहीं मिलेंगे आपको। भाई साहब, यहाँ पर अगर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाक हो, 1% भी नहीं मिलेगा। अभी तो भाई साहब हिंदू राष्ट्र है जो कोर्ट में दायर कर दिए जाते हैं, इसलिए तलाक। अगर तलाक की फीसद देखी जाएंगी तो मैक्सिमम 2-3% होगा, लेकिन ये 2-3% पे जो जुल्म होता है, हो सकता है 5% पे जुल्म हो रहा है, 3% औरत आवाज उठा रही है। हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सहन कर रही है, क्योंकि लोग बोलते हैं क्या वो जाएंगी जन्नत में, क्या सही है ये? ऐसा धर्म हो सकता है ये जुल्म करे? अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा ईश्वर, वो शराबी भी है, जुआरी भी है, तुमको मारता भी है, तुम्हारे साथ दोस्तों से बलात्कार कराता है, फिर भी ईश्वर? कैसा ईश्वर? ईश्वर एक है, तुम्हारा शोहर नहीं, शोहर ईश्वर नहीं है भाई साहब, ईश्वर एक है, ऊपर वाला ईश्वर है, शोहर कभी ईश्वर होता नहीं। हाँ, शोहर की इज्जत करना चाहिए, लेकिन इज्जत करने की हद होती है, अगर हद से बाहर हो जाता है तो इस्लाम में इजाजत है कि वो अलग हो सकते हैं, शोहर भी अलग हो सकता है, औरत भी अलग हो सकते हैं, तरीके है, तलाक है, कुल्ला है, निकाह फस्क है, तो इसके अंदर इस्लाम में कहा गया है कि शोहर की इज्जत करो, ये भी कहा गया है शोहर को
کہ بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے مسلم وہ جو اپنے خاندان کے لوگوں سے اچھے ہیں, خصوصاً اپنی بیویوں کے ساتھ. تو قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی دیکھ بھال کرنا چاہیے, اور بیویوں سے کہا گیا کہ آپ اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرنا چاہیے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں, ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ آپ کی بیویاں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیویوں کے لباس ہے. لباس مطلب ایک دوسرے کو اپنا سہارا دیتے, ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے, ایک دوسرے کو بیوٹیفائی کرتے ہیں. یہ اسلام ہے, اٹس اے کانٹریکٹ. اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے شادی کر دی تو ظلم بھی کرو. اسی لیے سب سے زیادہ اگر عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے, گاؤں گاؤں میں ظلم ہو رہا ہے, لیکن آواز نہیں اٹھ. آپ جیسے بھائی اگر ہوئی ہیں عورت کے پاس تو عورت کیسے نجات پائیں گی؟ آپ جیسے بھائی ہیں جو بولیں گے کہ قدم میں پڑو مر جاؤ جنت میں جائیں گے, تو کون بہن دعا کریں گی کہ ایسا بھائی اس کے پاس ہو؟ کون بہن دعا کریں گی؟ بولیں گے میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, میری جہنم بن رہی ہے, اور میرا بھائی بولتا ہے جنت جائیں گے. کیسا یہ کیسا انصاف ہے؟ اسی لیے لوگ دعا کریں گے ایسے بھائی سے مجھے نجات دو, یہ بھائی سے چھٹکارا دو. اور اسلام میں ظلم کرنا حرام ہے, ظلم برداشت کرنا حرام ہے. آپ اگر ظالم کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی دوشی ہے, وہ جنت میں تو جائیں گے, تم جائیں گے نرک میں. سمجھے بھائی صاحب؟ بھائی صاحب اسلام میں بھائی کا دھرم ہے کہ اپنی بہن کی رکشا کرے. اگر بہن پہ ظلم ہو رہا بھائی بولے گا جاؤ جاؤ, تو بہن تو ہو سکتا ہے سورگ میں جائے, بیچاری برداشت کریے, تم نرک میں جائیں گے, تم کو کون بچائیں گا؟ کیا بھائی صاحب آپ نرک میں جانا چاہتے ہیں سورگ میں؟ بھائی صاحب سر مانتا ہوں آپ کا بات, آپ سورگ میں جانا چاہتے ہیں نرک میں؟ سورگ میں ہی تو جانا چاہیں گے. تو آپ اپنے بہن کو نرک بنا رہے زندگی کو, اور آپ جانا چاہتے ہیں سورگ میں؟ ہاں آپ اگر عورت ہوتی تھی تو, اگر خدا آپ کو عورت بناتا تھا اور آپ پہ ظلم ہوتا تھا, آپ کیا کرتے تھے؟ ہاں وہ دھرم ہونا چاہیے جو سارے انسان کو یکساں مانتا ہے. قرآن شریف میں لکھا گیا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایا مرد اور عورت کے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو. اور سب سے بہترین انسان وہ جو تقویٰ رکھتا ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالی کے کہنے پہ عمل کرتا ہے, اسے کہتے ہیں تقویٰ. قرآن میں ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جنس کے بنیاد پہ, نہ پیسے کے بنیاد پہ, نہ رنگ کے بنیاد پہ, نہ دیش کے بنیاد پہ, لیکن تقوی کے بنیاد پہ. تقوی مطلب گاڈ کانشیسنس, رائچیسنس, پائٹی. آپ اچھے انسان بن سکتے جب ہی آپ اچھے انسان ہوں گے, رائچیس انسان. آپ خود اپنی بہن کے لیے حق نہیں چاہتے تو آپ کیسے بھائی ہیں پھر؟ بھائی صاحب آپ اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے قدموں میں مرو کیونکہ آپ کا مذہب کہتا ہے, برابر بھائی صاحب؟ جی آپ کا مذہب صحیح کہتا ہے. ایسا طلاق کرنا تو صحیح نہیں لگ رہا ہے. اور بہن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, صحیح لگ رہا ہے؟ ظلم تو کم پرسنٹ میں دیکھے جا رہے ہیں. آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ تو بولتے چپ چاپ رہو تو وہ تو آواز بھی نہیں اٹھا رہے, تو معلوم کیسا پڑے گا؟ کم از کم مسلمان عورتیں آواز اٹھا رہے نا. دیکھا گیا. دیکھا گیا کیا دیکھا گیا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے, آپ نے بولے کیا اسے چپ چاپ سہن کرنا چاہیے؟ اگر ایسا کرے تو اکثر آدمی ظلم کرنے لگیں گے. مسلمان سوچیں گے زیادہ ظلم کریں گا تو بیچارے چھوڑ کے چلے جائیں گے, میں پھنس جاؤں گا, کھانا مجھے پکانے پڑے گا پھر, برابر نا؟ وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو وہ ہندو تو اچھا بھائی, مارو بھی کچھ بھی کرو, عیش کرو, روز مارو تو بھی میرے ساتھ رہیں گے. کیسا یہ مذہب ہے؟ ہندوستان میں بھی غلط ہے, شوہر بیوی کو تھوڑی مار سکتا ہے. روز شراب پی کے جوا کھیل کے مارے گا تو پولیس کو پتا چلیں گے, پولیس بھی اندر کر لیں گا آپ کے بہنوں ہی کو. آپ سمجھ رہے بھائی صاحب؟ آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ سمجھ تو گئے ہیں لیکن سر, لیکن قبول کرنا مشکل پڑتا ہے. لیکن نہیں سر, قبول کرنا ہمیشہ مشکل ہے بھائی صاحب, کیونکہ دیکھا گیا کہ جتنے بیوی کو طلاق دیا گیا اس کی دوبارہ شادی اگر نہیں کرا سکا
तो वो बेचिया बन जाती है, बाजार में जाके जिस्म बेचती है। अगर आपके ये राय है तो दूसरी शादी कराओ ना, इस्लाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बीवी जब की, शी वॉज विडोड, उनके शौहर मर चुके थे, अब समझे ना। और जितनी भी बीवियां जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक को छोड़ के, अक्सर इधर विडोड थे या डिवोर्सी थे, आप समझ रहे ना। तो इस्लाम में अच्छी बात है अगर आप डिवोर्सी से शादी करते हो, उसमें बुरा थोड़ी है। हमारे हिंदुस्तान में एक कलंक है डिवोर्सी से शादी करना, इस्लाम में नहीं। साहबा के दौर में साहबिया भी अच्छी थी, साहबा भी अच्छे थे, दोनों कंपैटिबल नहीं थे, तो अल्लाह के रसूल ने कहा छोड़ दो, दूसरे से शादी करो। दोनों अच्छे थे लेकिन आपस में उनका मेल नहीं होता था, तो जुड़ा होता, आप दूसरे से शादी करो, आप दूसरे से करो, इतना आसान। मतलब जरूरी का जबरदस्ती अगर स्क्वायर को आप राउंड में डालेंगे, फिट नहीं हो रहा तो आप दबा के करेंगे फिट। डोंट ट्राई टू पुट अ स्क्वायर इन अ राउंड होल, स्क्वायर पैक इन अ राउंड होल इफ यू ट्राई टू पुट। अगर स्क्वायर को राउंड में डालेंगे फिट नहीं होएगा। अगर फिट नहीं हो रहा है तो आप पाठ करो अच्छे तरीके से, प्यार से, मोहब्बत के साथ। उनको खाली पीछे कोर्ट के अंदर जाके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ मत उछाल लो, प्यार से अलग हो जाओ, आप दूसरी शादी करो, ये दूसरी शादी करेगा, ये सबसे बेहतरीन है सारे इंसानों के लिए। और दोनों जन्नत में भी जा सकते हैं ना, जरूरी क्या क्या वो शख्स इतना जुल्म उठाए। हक तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल है आपके लिए, बराबर भाई साहब ना जी। और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते तो मैं सोच विचार के देख लेता। क्या सवाल है आपका, सोच विचार क्या? आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते मानते लेकिन कबूल करना मुश्किल है।